हेलो फूडीज, मैं हूँ अर्चना और आज बना रहे हैं हरे चने की बहुत ही मज़ेदार यमी रेसिपी। और कम तेल में ये रेसिपी बनके रेडी हो जाती है। होली का सीज़न है, चटपटी चीज़ों का सीज़न ही चलता है। तो मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, मेरे साइड ना मार्च अप्रैल में हरे चने बहुत मिलते हैं। तो हरे चने को मैंने घर ले आया, लाना ही पड़ेगा बनाने के लिए। इसको पानी से वॉश किया, इसके बाद इसको मिक्सर जार में डाल के इनको दरदरा पीस लेना है बिना पानी ऐड किए हुए। इनका फाइन पेस्ट रेडी मत कीजिएगा वरना जो रेसिपी हमारी टोटली चेंज हो जाएगी। तो मैंने इन्हें दरदरा पीस लिया, कुछ इस तरीके से आपको भी पीस के एक साइड में करके रख देना है। यहाँ पर मैंने लिया है 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज। तो प्याज को मैंने धो लिया था ताकि उसके एक स्लाइसेस अलग हो जाएँ। यहाँ पर लेंगे बारीक स्लाइस किया हुआ पत्ता गोभी, तो पत्ता गोभी को भी इसमें डाल देंगे। साथ ही साथ आप मेरी रेसिपी को किस सिटी से वॉच कर रहे हैं कमेंट करके बताना ना भूलें। और अगर रेसिपी को देख रहे हैं, रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, खुशी होती है कि आप सभी को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही। तो इसके बाद इसमें डाल देंगे पिसा हुआ हरा चने का पेस्ट। ये रेसिपी इतनी यमी टेस्टी होती है ना कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैंने इसमें डाला बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्ची। मिर्ची कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जाएगा बारीक कटा हुआ हरी धनिया की पत्ती। डालेंगे बेसन फॉर बाइंड। बेसन का मेजरमेंट ये होगा कि बाइंडिंग के हिसाब से इसमें बेसन जाएगा। मैंने डाला 3 से 4 चम्मच चावल काटा, जिससे कि बहुत ही अच्छा इसमें कुरकुरापन आएगा। इसमें मैंने डाला हल्दी का पाउडर, मुझे लग रहा है थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और जाएगा तो और डाला हल्दी का पाउडर। जाएगा लाल मिर्ची का पाउडर। मैंने 1 छोटा चम्मच डाला जीरा। इसके बाद जाएगा नमक। नमक के बिना तो पूरी रेसिपी बेकार हो जानी है। मैंने इसमें डाला थोड़ा सा खाने वाला सोडा, वही अपना मीठा सोडा जी। इसके बाद इसमें जाएगा किचन किंग गरम मसाला पाउडर। इसके बाद सारी चीज़ों को हाथों से बहुत अच्छे से दबाते हुए थोड़ा सा इसको मिक्स करिए। इससे क्या होगा, पत्ता गोभी और प्याज का जो पानी रिलीज होगा उससे बैटर अपने आप बनना स्टार्ट होगा। इसमें एक साथ आपको पानी नहीं डाल देना, एक साथ आप पानी डाल देंगे तो बैटर हमारा बहुत ज़्यादा रनिंग हो जाएगा, फिर संभालना मुश्किल होगा। तो जब जितनी आ सकता बस बहुत थोड़ा सा पानी डालिए और मिक्सर को कुछ इस तरीके से हल्का सा प्रेस करते हुए, यानी दबाते हुए मैश करते हुए होता है ना उस तरीके से, जो मिक्सर है एकदम अच्छे से बाइंड हो जा रहा है, आप देख सकते हैं। और इसकी मैं टिक्की अगर आपको बना के दिखाती तो ये देखिए बहुत ईजिली बन जा रहा है। 8 मिनट्स का मिक्सर एकदम परफेक्ट है। इसमें बेसन नहीं जाएगा, इसमें पानी की आवश्यकता तो एकदम नहीं है। तो मिक्सर को एक साइड में करके रख दीजिए। तवे को इसी बीच मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। इसके ऊपर डालेंगे 1 से 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो इसे सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। तो तेल को पहले अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। इसके बाद जो तैयार मिक्सर है उसको टिक्की का शेप देते हुए हाथों से हल्का सा फ्लैट करते हुए गर्म तवे पर प्लेस करेंगे। एक बार में जितना आता है मेरे तवे पर 3 से 4 ही टिक्कियाँ बन पाएंगी, आप देख सकते हैं। तो पहले इस तरीके से शेप दे दीजिए। और इन्हें ज़्यादा मोटा मत रखिएगा, ज़्यादा मोटा बनाएंगे तो अंदर से कच्चा रह जाएगा, फिर कहेंगे मोटा कितना हो गया है। तो इन्हें एक साइड से लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए सेक लीजिए ताकि अच्छे से ये सिक जाए और अंदर से ज़रा भी कच्चापन न रहे। तो जब एक साइड से ये सिक जाता है तो नीचे से दूसरे साइड से सिकने में जो टाइम लगता है वो केवल 1 से 2 मिनट लगता है। टोटल टाइम इस चटपटे पकौड़े को बनने में लगता है 3 से 4 मिनट। और ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी लगता है, फटाफट बन के रेडी भी हो जाता है। तो इसको आप सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म हरी चटनी के साथ। और ये देखिए देखने में बहुत टेस्टी यम्मी लग रहा है ना, और अंदर से मैं तोड़ के आपको शो करती हूँ, एकदम परफेक्ट बना है, ज़रा सा भी कच्चापन नहीं है। और दूसरा इसको आप गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं सांभर के साथ, बहुत ही टेस्टी लगता है सांभर के साथ। तो आपको जैसे पसंद हो वैसे खाएं। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक